पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी चुप्पी के लिए जाना जाता है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से होने के बावजूद उनको किन हालातों का सामना करके देश के लिए क्या क्या किया, उनकी उन सभी बातों की चुप्पी तोड़ती उनकी बायोग्राफी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। संजय बारू की लिखी इस बायोग्राफी पर बनी ये फिल्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया है और संजय बारू के किरदार को अक्षय खन्ना ने। आखिरकार वो समय आ ही गया जब भारत की जनता को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी के पीछे किए गए वो कामों के बारे में पता चलेगा जो देश को एक सुपर पावर और न जाने कितने ऐसे काम थे जो कांग्रेस के ना चाहने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किए गए। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है? सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर। अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। आई मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSE तय करेगी, इनकी समझ में आएगा। PMO means business. ना 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 सर, the Dr. Singh means business. देश के विकास के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा, मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। अब लड़ाई PM वर्सेस पार्टी बन गई थी। चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा। सर यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का। ये जीत आपकी जीत है, ये PMO आपका टर्फ है। और कितना बदनाम करेगी पार्टी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है?